आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घरेलू मंडियों में विदेशों में गिरावट का असर देशी तेल तिलहनों पर भी दिखा और सरसों, मूंगफली तेल तिलहनों और बिनौला तेल में गिरावट आई। मलेशिया एक्सचेंज के टूटने से सीपीओ और पामोलिल तेल के भाव टूट गए और इस कारण सोयाबीन तेल तिलहन भी गिरावट की चपेट में आ गया। सूत्रों का कहना है कि इंडोनेशिया में खाद्य तेलों का भारी मात्रा में स्टॉक जमा होने और मांग कमजोर होने के कारण मलेशिया एक्सचेंज में खाद्य तेलों के भाव लुढ़के हैं। आयातक अपने बैंकों के ऋण के ब्याज का भुगतान करने के लिए सोयाबीन को सस्ते में बेचने को मजबूर हैं। सूत्रों का कहना है कि खाद्य तेल की जरूरतों का स्थायी समाधान देश में तेल तिलहन उत्पादन बढ़ाना ही हो सकता है। यूपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।